हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज तारीख है 8 अगस्त 2022 सोमवार का दिन। भारत ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दिन में जीते सबसे ज्यादा 4 पदक। रविवार नहीं स्वर्णवार कहिए, भारत ने एक दिन में 4 स्वर्ण पदक जीतकर रविवार को स्वर्णवार में बदल दिया। यह बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दिन में भारतीय दल की तरफ से जीते गए सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हैं। अब आगे चलते हैं हमारी अगली खबर है। पीएम ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। ये हमारे GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित विषय से है। हाल ही में भारत में नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक हो रही है। पीएम ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा लोगों को देसी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। नीति आयोग की बैठक में बोले, वोकल फॉर लोकल पार्टी का एजेंडा नहीं, आम लक्ष्य। राज्यों को ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी यानी 3T का मंत्र दिया, मंत्र पर फोकस करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण की जोरदार वकालत की, ताकि देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विश्व का अग्रणी देश बनाया जा सके। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में मोदी ने राज्यों से कहा कि वोकल फॉर वोकल की किसी एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि यह हम सभी का लक्ष्य है। देसी सामान के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि उन्हें आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। सभी राज्यों को ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी यानी 3T के प्रोत्साहन मंत्र पर फोकस करना चाहिए। अभी हाल ही में GST संग्रह में वृद्धि हुई है और इसे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी सहयोग की जरूरत है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है। भारत ने कोरोना काल में विकासशील देशों को एक मजबूत संदेश दिया है कि कम संसाधन होने के बावजूद भी चुनौतियों से किस तरह से उभरा जा सकता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 23 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, CEO परमेश्वरन अय्यर भी मौजूद थे। पूर्वोत्तर के राज्यों में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बंगाल जैसे राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन राज्यों ने तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से लेकर सिंचाई व्यवस्था करने में मदद की मांग की है। गवर्निंग काउंसिल का क्या था एजेंडा? गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से दाल व तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने, स्कूल की शिक्षा, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और शहरी प्रशासनिक तौर तरीकों पर चर्चा की गई। भारत अभी अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है। आयात निर्भरता खत्म करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की गई है। तो हम चलते हैं हमारी अगली खबर पर। पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज मरम्मत व सर्विस के लिए पहुंचा भारत। अमेरिकी नौसेना का जंगी जहाज चार्ल्स ड्रिल मरम्मत के लिए रविवार को चेन्नई के कटुपल्ली में LNT के शिपयार्ड में पहुंचा। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN गोरमडे, तमिलनाडु व पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र के लेक ऑफिसर कमांडियर रियल एडमिरल एस वेंकटरमन और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों चार्ल्स ड्रिल का स्वागत के लिए LNT शिपयार्ड में मौजूद थे। हम चलते हैं हमारी अगली खबर। SSLV के पहले मिशन में सही कक्षा में स्थापित नहीं हो सके उपग्रह।
श्रीहरिकोटा SSLV का पहला मिशन लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। SSLV D1 के जरिए भेजे गए दो उपग्रह निर्धारित वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होने के बजाय अंडाकार कक्षा में चले गए। इसरो ने SSLV पर कुल 56 करोड़ रुपए खर्च किए। CSIR को मिली पहली महिला महानिदेशक। देश की वरिष्ठ वैज्ञानिक लल्ला थम्पी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। CSIR देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। ले चलते हैं हमारी अगली खबर है, मौसम के गणित को बिगाड़ रहा जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हमें पता है कि अभी जो मानसून का सीजन है, तो मानसून की जो वर्षा वितरण है सभी राज्यों में भिन्न है। कहीं अतिवर्षा हो रही है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ जैसी समस्याएं। तो ये इस बार जो जलवायु परिवर्तन है, कहीं ना कहीं उसने ज़्यादा क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जो ये विषय है हमारे JS1 यानी भूगोल से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, पर्यावरण से, ये JS3 के पेपर से भी संबंधित है। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चुनौतियों पर कहा, इस कारण विश्व भर की एजेंसियों के लिए पूर्वानुमान लगाना हुआ कठिन। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम संबंधी गंभीर घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की विश्व भर की पूर्वानुमान एजेंसियों की क्षमता को प्रभावित किया है। IMD इस चुनौती से निपटने को अधिक रडार स्थापित कर रहा है और अपनी उच्च प्रदर्शन वाली गणना प्रणाली को अपडेट कर रहा है। भारत में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में महापात्र ने कहा, हमारे पास 1901 से लेकर अब तक का मानसूनी वर्षा का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। इसके तहत उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में कमी, जबकि पश्चिमी राजस्थान जैसे पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हुई है। मानसून अनियमित है और इसमें व्यापक स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को संसद को बताया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मेघालय, नागालैंड में बीते 30 वर्षों यानी 1989 से 2018 तक में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा में उल्लेखनीय कमी देखी गई। इन 5 राज्यों और अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश वार्षिक औसत वर्षा में भी कमी आई है। महापात्र ने कहा कि 1970 से अब तक के वर्षा के दैनिक डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में भारी वर्षा के दिनों में वृद्धि हुई, जबकि हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा में दिनों में कमी आई है। भारी वर्षा की घटना में वृद्धि और हल्की वर्षा के दिनों में कमी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। जलवायु परिवर्तन से गरज चमक, बिजली, भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता में भी बढ़ती जा रही है। विभाग पूर्वानुमान में सुधार के लिए अपने रडार, स्वचालित मौसम केंद्रों, वर्षा मापियों, सैटेलाइट की संख्या बढ़ाकर अपने अवलोकन तंत्र को मजबूत कर रहा है। वेदर मॉडल सिस्टम को रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर है और इसे 6 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। IMD अधिक रडार कर रहा स्थापित, उच्च प्रदर्शन वाली गणना प्रणाली को भी अपडेट कर रहा है। 30-40% का सुधार हुआ है पिछले 5 वर्ष में अवलोकन तंत्र में। इससे मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ी है। इस्लामिक स्टेट धन जुटाने राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकी संगठन क्रिप्टो करेंसी में बदलकर क्रिप्टो एक्शन। ये इस तरह के शब्द हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे सिलेबस है उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। फिरोज शाह कोटला किले का होगा संरक्षण। ये हमारे जिस पर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री
से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI फिरोज शाह कोटला किले में संरक्षण कार्य व व्यवस्था में सुधार करने जा रहा है। फिरोज शाह कोटला कभी दिल्ली के ऐतिहासिक शहरों में से एक था। इसे 14वीं शताब्दी के मध्य में शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। 1928 को यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अन्य द्वारा बुलाई गई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम दिया गया। इसी संगठन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की इलाका रख दिया था और अशोक स्तंभ भी यहीं पर अशोक स्तंभ आकर्षण का केंद्र। फिरोज शाह कोटला किला तुगलक वंश के तीसरे शासक के शासनकाल का प्रतीक है। इसकी बाहरी दीवारें चिकने पत्थर की हैं। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। अशोक स्तंभ यही है स्थित है। यह तीन परत वाली पिरामिडी संरचना के ऊपरी भाग पर स्थित है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अम्बाला से दिल्ली लाया गया 13 मीटर ऊंचाई स्तंभ अशोक के सिद्धांतों को दर्शाता है। अब हम बढ़ते हमारी अगली खबर। LAC पर पहरे के लिए ड्रोन बना रहा HAL। भारत की सरकारी एरोस्पेस कंपनी HAL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बहुआयामी अत्याधुनिक मजबूत ड्रोन बनाने में जुटी हुई है। यह ड्रोन चीन से लगी ऊंची पर्वतीय चोटियों से होकर गुजरने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा की सख्त निगरानी के लिए बनाया जा रहा है। हमारी अगली खबर है वनाधिकार कानून में आदिवासियों के हितों को संजोगा वर्किंग ग्रुप। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गठित किया यह ग्रुप। वन संरक्षण नियमों में संशोधन और वनाधिकार को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग के बीच आदिवासियों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित और संरक्षित करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन को तेज करने के लिहाज से वन संरक्षण नियम 2022 में हाल ही में कुछ संशोधन किए हैं। इस संशोधन में कांग्रेस का आरोप है कि संशोधित नियमों में सरकार ने वनाधिनियम के तहत आदिवासियों को मिले अधिकारों को कमजोर किया है, लेकिन सरकार ने इसका खंडन किया है और कहा है कि आदिवासियों के कल्याण अधिकारों को सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातियों के वन भूमि पर अधिकार के बारे में कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। एक 6 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप फॉरेस्ट एक्ट और आदिवासियों की समस्याओं व उनके निराकरण की कार्य योजना पर विचार होगा। आयोग के सूत्र बताते हैं कि वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर शिकायतें आती रही हैं। वर्किंग ग्रुप उन समस्याओं पर विचार करेगा, उनका निराकरण करेगा। आदिवासी वन उपज का तेंदुपत्ता यानी जो बीड़ी बनाने में इस्तेमाल एकत्र करते हैं, इसे लेकर अधिकारी उन्हें ट्रांसपोर्ट परमिट जारी नहीं करते हैं, जबकि उन्हें वन उपज बेचने का पूरा अधिकार है। वन संरक्षण नियम 2022 में किए गए बदलाव के मुताबिक वन भूमि को गैर वनी काम में तब्दील करने के लिए अब ग्राम सभा से अनापत्ति लेने की जरूरत नहीं। वनाधिकार के मसलों को राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद निपटाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर। SLV के पहले मिशन में सही कक्षा में स्थापित नहीं हो सके उपग्रह। अभी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के बाजार पर आधिपत्य जमाने की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की योजना को रविवार को झटका लगा।
SLV-D1 के जरिए भेजे गए दो ग्रह सैटेलाइट EOS-02 और आजादी सेल निर्धारित वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होने के बजाय अंडाकार कक्षा में चले गए। इस SLV पर कुल 56 करोड़ रुपए खर्च हुए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 और सरकारी स्कूलों के छात्राओं द्वारा निर्मित आदित्य सेट को लेकर गया SSLV अपनी कक्षा से भटक गया है। आप इसको भी देखिएगा, हर घर तिरंगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर, आत्मनिर्भरता का मंत्र, इसको भी आप देखिएगा। मुक्तखोर की राजनीति हानिकारक, पड़ोस में कायम आर्थिक संकट के निहितार्थ। ये हमारे GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और भारत और भारत के पड़ोसी देशों और अन्य देशों का नीतियों का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। डाटा सुरक्षा विधेयक से अपेक्षा है। ये हमारे GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। आप इसे भी देखिएगा, जो हाल ही में डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 जो अभी 3 अगस्त को वापिस ले लिया गया था। इसे संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया जा सकेगा। इसके लिए अभी हाल ही में इस पर विचार किया जा रहा है। इस विधेयक में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को डिजिटल प्राइवेसी का प्रावधान है। डाटा के फ्लो व इस्तेमाल की व्यवस्था करते हुए ताकि व्यक्तियों व डाटा प्रोसेस करने वाली संस्थाओं के बीच विश्वास का संबंध बना रहे। आलोचकों का शंका थी कि विधेयक में व्यक्तियों की डिजिटल प्राइवेसी की पर्याप्त सुरक्षा गारंटी नहीं है, उनके डाटा के दुरुपयोग की प्रबल आशंका है। यह विधेयक निष्ठा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इन्हीं आपत्तियों के मद्देनजर विधेयक को JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया था। व्यक्तियों की निष्ठा की सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जबरदस्त बल देते हुए डाटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने मुख्यतः 4 सिफारिशें की थी, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म जो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं उन्हें प्रकाशक के रूप में लिया जाए, उन्हें कंटेंट के लिए जवाबदेह माना जाए। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म जो मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करते उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर अपुष्ट अकाउंट्स के लिए जिम्मेदार माना जाए। सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए एक नियामक का गठन किया जाए। व्यक्ति के बोलने के अधिकार पर विचार किया जाए। गैर व्यक्तिगत डाटा और व्यक्तिगत डाटा में हमेशा अंतर कर पाने की कठिन मानती है JPC और इसे कहीं न कहीं पर विचार किया जाए और इन दोनों की एक स्पष्ट परिभाषा दी जाए। चलते हैं हम अगली खबर हमारी इंडियन इकोनॉमी से। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए मॉड्यूल रिएक्टर स्थापित करे। नीति आयोग के सदस्य एवं वैज्ञानिक VK श्रीवास्तव ने रविवार को कहा कि सरकार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि पुरानी हो चुके ताप ऊर्जा संयंत्रों को बदला जा भी जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फ्लीट मोड उत्पादन के तहत स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में अब तेजी लाई जानी चाहिए ताकि बेस लोड जरूरत यानी 24 घंटे की अवधि में बिजली की न्यूनतम मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर आधुनिक परमाणु रिएक्टर होते हैं। इनकी ऊर्जा क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई तक होती है। यह परंपरागत परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का 1/3 है। फ्लिट मोड के तहत एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण 5 वर्ष में किया जाता है। वर्तमान में भारत 22 रिएक्टर का परिचालन करता है जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। आधुनिक मॉड्यूल रिएक्टर का फायदा यह है कि यह कारखानों में बन जाते हैं। विदेशी निवेशकों ने एक हफ्ते में खरीदे 14,000 करोड़ रुपए के शेयर। डॉलर सूचकांक में नरमी के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी पर अपना सकारात्मक रुख बरकरार किया है। विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार बने हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जिन्होंने भारत की इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। जासूसी पोत मुद्दे पर भारत के दबाव में चुके श्रीलंका से चीन ने की तुरंत बैठक की मांग।
ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS2 से संबंधित है। इसमें हाल ही में खबरों में चर्चा बना हुआ है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी पोत युआन व्यांग 5 के आगमन का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। चीन का यह जासूसी पोत हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत के दक्षिणी हिस्से की अधिकांश मिसाइल और सैन्य गतिविधियों के अलावा ढांचागत परियोजनाओं पर करीबी निगरानी करने की क्षमता रखता है। इसी के चलते भारत लगातार श्रीलंका पर दबाव बना रहा है कि चीनी पोत के हम्बनटोटा पहुंचने पर रोक लगाई जाए। और चीन और अगली खबर, चीन और ताइवान की युद्ध पोतों में कई घंटे तक चला चूहे बिल्ली का खेल। चीनी सैन्य का अभ्यास खत्म लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं। ताइवान ने कहा चीनी सेना की हरकतों का दिया उचित जवाब। दक्षिण कोरिया के नज़दीक येल्लो सागर में चीन ने शुरू किया था अभ्यास। अब चलते हैं हमारी अगली खबर, आर्या वालपेकर ने जीता मिस इंडिया USA का खिताब। भारतीय अमेरिकी किशोरी आर्या वालपेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अक्षय जैन मिसेस इंडिया USA और तन्वी ग्रोवर बनी मिस टीम इंडिया USA। अब चलते हैं हमारी अगली खबर, यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर फिर गोलाबारी। IAEA ने जताई चिंता, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जताई चिंता जापोरिजिया परमाणु बिजली संयंत्र क्योंकि यूक्रेन में है। भारतीय एथलीटों ने एक दिन में जीते 400 पदक, पदकों का अर्धशतक। भारत कुल मिलाकर 51 पदकों के साथ भारत ने 17 गोल्ड, 13 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया जिसने 63 गोल्ड, 53 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ 169 मेडलों के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अब चलते हैं हम लंपी स्किन बीमारी, जो एक वायरस है जो भारत गायों और भैंसों में तेजी से फैल रहा है। लंपी त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पशु चिकित्सकों ने पशुओं के सामूहिक टीकाकरण की जरूरत बताई है। हजारों गायों और भैंसों को मार चुके इस वायरस से बचाने के लिए उन्होंने तत्काल अंतर जनपदीय आवाजाही पर भी रोक लगाने को कहा है। राजस्थान और गुजरात में हजारों पशुओं की मौत का कारण बन चुका है यह वायरस। बढ़ते हमारी अगली खबर, शनि के साथ आसमान में दिखेगा हंसमंडल, खगोलीय घटना। इस महीने 4 प्रमुख खगोल की घटना होने जा रही है। एक सुपरमून की घटना जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब यानी 360,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है वो 384,000 किलोमीटर है। इससे वह अधिक चमकदार दिखेगा। अब इसकी वजह से समुद्र में उच्च ज्वार की बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। समुद्र के तटीय इलाकों में तूफान से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। आसमान में सुपरमून के साथ ही हंसमंडल भी अपने पूरे स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। हंसमंडल चमकदार तारों का एक ऐसा समूह है जो हंस की आकृति में नजर आता है। हंस मंडल 8 तारों से बना होता है और 14 अगस्त को वलयाकार ग्रह शनि का उदय होगा, जो बिना दूरबीन की मदद से देखा जा सकेगा। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच रहा है और 26 अगस्त तक होगी उल्कापिंडों की बारिश। उल्कापिंडों के छोटे छोटे टुकड़े धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। आसमान के चमकीले तारों जैसा प्रतीत होगा। इस दौरान इन पिंडों की गति प्रति घंटे 1,48,000 मील प्रति होगी। क्या होता है सुपरमून? आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वैज्ञानिकों ने बताया कि सुपरमून वर्ष में 3 से 4 बार हो सकता है। इसकी तिथियां बदल सकती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे उसका आकार बड़ा और चमकदार होता है। जनवरी में जब सुपरमून होता है तो चंद्रमा बड़ा होने के साथ अधिक चमकीला होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के पास होता है। उसकी रोशनी से चंद्रमा की चमक बढ़ती है। जुलाई में
सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, उस समय जब सुपरमून होगा तो चंद्रमा का आकार बड़ा होगा लेकिन चमक उतनी नहीं होगी। अब हमारी अगली खबर है, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती तापमान की वजह से ऑस्ट्रिया के टायरोल में जामताल ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी का मिला सस्ता विकल्प। कैल्शियम आयन वाली बैटरी होगी ज़्यादा सुरक्षित और कार्य सक्षम। मोल्डिवेनम या नाइट्रोजन ऑक्साइड के इस्तेमाल ने आसान की ही रहा। हमारी आज की न्यूज़ एनालिसिस तो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।